अगर नहीं गए ना जिंदगी में कभी तुम लोगों के साथ नहीं रहेंगे, ठीक है? एक बार प्यार से सुन ले, बोल दिए ना हमें जाना है, अभी जाना है, नहीं जाना है। हमारे फीलिंग का साथ तुम लोगों ने खेला है, ठीक है? ये कहाँ से लाए हो और तुम कहाँ जा रहे हो? इसको लेकर आए हैं। कहाँ से? मैंने सुना है कि जानवर वफादार होते हैं, तो फिर इसको लेकर जा रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज शीत पांडे। और बताना तो नहीं चाहिए, पर मैं सोच रहा हूँ आप लोग मेरी फैमिली हो, तो एक बार ना मैं आप लोगों को बता दूँ। और ये हमारा न्यू फैमिली मेम्बर है टाइगर, मैं इसको लेकर आया क्योंकि जितने भी लोग आज तक मिले वो ऐसा हुआ कि मतलब छोड़ के चले जाते हैं यार, पता नहीं क्यों। हमारे टीम मेंबर भी सबसे लड़ाई होती रहती है, तो एक ना मैं अलग डिसीजन ले लिया हूँ। मैंने सुना कहीं से कि जानवर वफादार होते, तो फिर मैं इसको लेकर आया टाइगर का। हमारे ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, पर पता नहीं ये भी मेरा साथ देगा या नहीं, वफादार हो गया या नहीं, पता नहीं, भगवान जाने। तो इसको मैं लेकर आया हूँ, और आप लोग देख रहे हो मैं ना अपना सामान वामान सारा पैक कर लिया हूँ और मैं जा रहा हूँ गाँव। क्योंकि कारण ये है कि बहुत चीज़ें ऐसी हुई हमारे साथ जो अब अच्छा नहीं लग रहा है। जब तक झेला गया तब तक तो ठीक है, अब अंकित से राहुल से सबसे लड़ाई हो रही है, अंकिता से भी किसी किसी बात पे हो जाती है। तो मैं सोचा कि यहाँ से जाना ही ठीक होगा। लोग ना तो बोलते हैं, अब हमें कमेंट में बोलते हैं कि सुजीत तू बदल गया, पर ऐसा कुछ नहीं था, मेरा इंटेंशन ऐसा कुछ था ही नहीं। मैं सोचा था कि आके यहाँ पे करूँगा लोगों के लिए कुछ, तो लोग हमें भी प्यार देंगे, पर वो प्यार ना अब नफरत में बदल रहा है। तो मैं अपने घर से लड़क के आया, हर चीज़ करता हूँ लोगों के लिए, फिर भी जो मैं चाहा वो चीज़ मिला नहीं। तो मैं अब जाऊंगा अपने घर, अपने माँ बाप का सपना पूरा करूंगा, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप के लिए कुछ किया नहीं है, और अब वो मौका आ गया है कि उनके लिए भी कुछ करूं। क्योंकि इन लोगों के लिए किया तो कोई मेरा मतलब ये नहीं किया कि हाँ तू मेरे लिए कुछ किया है, तो इससे अच्छा है कि माँ बाप का सेवा करेंगे। तो पता नहीं वीडियो बना पाएंगे या नहीं, एक अलग दुनिया होगी घर जाएंगे तो, आप देखना जो भी होगा। मैं ना एक बार मिल लेता हूँ, सब गए हैं पता नहीं कहीं शूट पर गए थे, तो मैं कॉल कर दिया हूँ और मैंने कैब भी कर ली है, 10 मिनट में आता ही होगा। तो एक बार मिल लेते हैं सबसे, फिर चलते हैं अपने गांव और वहां पे दिखाएंगे हमारे गांव का जो भी है सब चीज़। अगर आप लोग को सही लगा, आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करके बताना, मेरे हिसाब से जो भी होगा मैं उसका अपडेट देता रहूँ। क्या हुआ टाइगर? चलते हैं, अभी चलते हैं, टेंशन मत। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर आ गया सब। ये कहाँ से लाए हो और तुम कहाँ जा रहे हो? इसको लेकर आए हैं। कहाँ से? मैंने सुना है कि जानवर वफादार होते हैं, तो फिर इसको लेकर जा रहे हैं। बैग लेके क्योंकि कहीं काम है क्या? चले, कहीं नहीं जाना है, मैं अकेला जा रहा हूँ। एक बार मुझे तुम मुझसे बता दे, घर जा रहे हैं हम। क्यों जा रहे हो? देख यहाँ पे ना सारी चीज़ें खराब हो रही हैं, तो और रोज अगले दिन कोई ना कोई पंगा होते रहते हैं। इसको मैं समझा या नहीं समझा, तो देख एक ना हमारा रिलेशनशिप है सबके साथ, ठीक है? तो इसको मैं तोड़ना नहीं चाहता हूँ, ये सारी चीज़ खराब हो जाएंगा अगर मैं यहाँ पे रहूँगा तो, ठीक है? तुम जाओगे तो और भी खराब हो जाओगे। मेरी बात सुन, कुछ खराब नहीं होगा, मेरी बात सुन। तुझे तुमने एकदम से जाने का फैसला कर लिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। लग रहा है मजाक कर रहे हैं सभी। तुझे मजाक है तो अलग है, ठीक है। मैंने कैब कर दिया है, बस आता ही होगा 5 मिनट में। हर बात का मजाक नहीं होता। तो मजाक नहीं, मेरी बात सुन ले। हाँ तो सुन ना, मेरी बात सुन ले। अरे यार कहीं कैमरा। मजाक वजाक कुछ नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, तू सब अपना ध्यान रख, जैसे भी करना है कर। हमें तुम्हारे जाने से सब कुछ और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा, तुम सोच रहे हो कि जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुन ना, हमें अब तुम लोग से कोई मतलब है ना, हमें दुनिया से। साला तुम लोग के लिए, ये सबके लिए मैं अपने घर वाले को छोड़ गया, उनसे बात तक नहीं करता हूँ, उनके खुशी के लिए कुछ तक आज तक मैं अपने माँ बाप के लिए किया नहीं हूँ। मेरे पापा आज भी क्या बताऊँ तुझे, पता है क्या करते हैं? आज भी प्राइवेट जॉब करते हैं हमारे पापा, 8,000 रुपये 10,000 रुपये का नौकरी करते हैं। तो मैं उनका बेटा हूँ, तो मेरा बेटा होने से फायदा क्या है? मैं घर वाले का सपोर्ट नहीं करेगा, तुम लोगों का सपोर्ट किया, सबका साथ दिया, और तो तू लोग क्या करना चाहते हो? जाकर उनके लिए कुछ करेंगे ना। मैंने सबके लिए किया, दुनिया के लिए किया। देख हमें जाने, जाने से क्या हो जाएगा? हम कुछ नहीं, देख हम जाके अपने घर वाले के लिए कुछ अब करेंगे। आप अगर घर, मेरी बात, तो हम लोग भी घर जाएंगे, हम लोग भी घर जाएंगे। इतना दिन किए ना रे, इतना दिन तो किए तुम लोगों का, अब तुम लोग खुद समझदार है कि तू लोग कुछ कर सकता है। गलती नहीं, तुम सबको खुद पता है कि क्या हुआ है, ठीक है? साला तू लोग आके हमसे लड़ाई कर रहा, वो बात नहीं। देख किसी और से हम लड़ सकते हैं, हम इन सबको मारे हमें खुद फील हुआ, हमें खुद हर्ट हुआ, ठीक है? किसी को मारते हैं तो आगे खुद हम रोते हैं, ठीक है?
हमें बुरा लगता है अपनों के साथ गलत करना, ठीक है? किसी और से जाके तू लड़ाई कर सकते, अपनों के साथ लड़ाई नहीं कर सकते। और ये जो चीज़ों हो रहा है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो तुम जाके इसके लिए हम हाँ ठीक करेंगे ना, जाके घर वाले के लिए मैं कुछ करूँगा। वो तो हमें नालायक नहीं ना बोलेंगे, मेरे घर वाले मेरे सपोर्ट नहीं करते हैं भाई, मेरे माँ बाप मुझे जानते नहीं, ये बोलते नहीं कि ये मेरा औलाद है ऐसा कुछ, ठीक है? तो उनके लिए अभी कुछ जाके करेंगे ना, तो जिंदगी भर बोलेंगे कि हाँ मेरा बेटा मेरे लिए कुछ किया। उनको भूल कर सबके लिए, तुम सबके लिए कुछ किया और तू सब मेरे लिए क्या? ये बोलता है कि ये छोड़ के जा सकते हो, ये सब क्या बोलता है कि तू मेरे लिए क्या किया है, क्या फलाना डिम करना तू देख लियो। इसलिए मैं डिसीजन लिया कि सारे दुनिया वाले तो साथ छोड़ देंगे, शायद इसको मैं लेके आया कि ये मेरा साथ देगा। भाई साथ तो हम भी देंगे ना, क्या टाइगर? चल बस जो भी गलती हुआ ना, देख माफी मांगे जरूर, तू बड़ा हो चुका है, छोड़ के जाएगा। अरे छोड़ कहाँ रहा है, तू सब रहा ना, तू तीनों साथ मेरा, विकास भाई आएंगे कुछ दिन बाद में, साथ रहना ना। क्या साथ नहीं रहना, तेरे साथ रहा हूँ ना। हाँ तो अभी ठीक है, अभी तू जवान हो गया है ना, तू खुद स्मार्ट बन रहा है, जाके लोगों के साथ मसाज प्रेम कर रहा है और मेरे से लड़ाई कर रहा है। अरे खत्म हो गए तो यही, आगे कुछ ना हो, हमारा रिलेशन खराब ना हो, इसके लिए जा रहे हैं। तो फिर ये कुछ जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, टीम जो है तू लोग अपने साथ में काम करे, क्या मतलब है? सब अपने, मेरी बात सुन, अपने दम पर कोई भी कुछ करता है, ठीक है? तो हमें उससे कोई ये नहीं करना, देख हमें लड़ाई वड़ाई नहीं करना चाहते हैं। दूसरी बात की सुनिए ना, चल हमारे घर चल, मजाक मस्ती और प्रैंक सरेंग जो कर रहे हैं, ये कोई मजाक नहीं होता। तो अगर गुस्सा आ रही है तो पहली बात, हम गुस्सा उतार सकते हो? अरे गुस्से का कोई बात ही नहीं है ना, हमारे फीलिंग के साथ तुम लोगों ने खेला है, ठीक है? ये क्या चुतिया पे किया सुजीत, क्या क्या खेला? तुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ है? हम हमारा जो है ना सोसाइटी है जहाँ पे रहे हैं वहाँ पे ये सब चीजें होता नहीं है। हमारे गांव वालों ना लोग हमको गाली देते हैं कि क्या कर रहे हैं वहाँ पे, तू लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अपने घर वाले हमसे बात नहीं करते हैं और कि जाके तू वहाँ पे क्या है सब कर रहा है, दिल में क्या लफड़ा है। हमें लोग कमेंट में बोलते हैं कि हाँ सुजीत पांडे को घमंड आ गया, चुतियापा कर रहा है, क्या क्या हम गलत हैं। तो ये सब चीजें हमसे बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि इन सब के लिए हम यहाँ पे नहीं आए थे। लोगों के हेल्प करते हैं जितना होता है उतना, लेकिन अब बहुत मेरी बात सुनो, मैं बहुत कर लिया सबके लिए, अब अपने घर वाले के लिए फर्ज बनता है कि मैं करूंगा। बनता है तुम्हारे, हम मना नहीं करेंगे। हाँ तो ठीक है ना, तो उनके लिए तो हमें जाना होगा ना। देखो ऐसा मत करो, ठीक है ना? ठीक है, मजाक चल रहा है, मेरे मजाक मत कीजिए, ठीक है? ऐसा मजाक कीजिएगा सब कोई हट हो जाएगा, ठीक है? जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, सब ये कौन सा मजाक है कि छोड़ के चले? देख मजाक का कोई बात नहीं है, दिल्ली जाने का कोई यही बात, जाने का नहीं सवाल पैदा होता, तुम सब ठीक कर सकते हो यहाँ रह के भी। देख हमें ज्यादा बात नहीं करना है, तू देख नहीं तुम नहीं जाओगे। देख ये मेरे साथ हाथ मत लगा राहुल, ठीक है ना? बोल दिया ना प्यार से, अभी किस बात का झगड़ा है? झगड़ा नहीं कर रहा है ना तुझसे, इसलिए तो बोल रहे हैं प्यार से। मैं गलती हुआ था, मैं सोचा कि एक बार तुम लोग से मिल लूं, बात कर लूं, ठीक है? इससे ज्यादा और कुछ नहीं, मतलब बिना बचाए कल तक सब सही। हाँ तो सही था ना, तो मेरे माइंड में ये सब चीज चला ना, मैं देख रहा हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है, बर्बाद करके बर्बाद क्या कर रहे हैं, चले जाएगा तो बर्बाद ही होना है। अगर मैं नहीं रहूंगा ना, नहीं अगर कोई गलती है तो बोलियो, और मेरी बात सुनो, मैं नहीं रहूंगा ना तो ही ये सारी चीजें सही हो सकता है, रहूंगा तो और कुछ नहीं होगा, ठीक है? और बिगड़ जाएगा सुजी, ना रहने से सब कुछ बिगड़ जाएगा। नहीं बिगड़ेगा, मेरी बात सुनो, नहीं बिगड़ेगा। पहली बात कौन संभालेगा, संभालना तू सब खुद, तू बच्ची थोड़ी है, तू सब में चोर है, तू सब से तो समझदार नहीं हो ना, तुमसे ज्यादा नहीं हो ना, है ना? नहीं क्या है, अरे मैं कहाँ तक चलूंगा तुम लोग के साथ, उंगली पकड़ के चलाऊंगा हाथ? मेरी बात सुनो, देखो हमें लड़ाई नहीं करना है, जा रहे हैं घर तो हमें आराम से जाना है। लड़ाई की कौन सी बात है, मैं ऐसे बिन बताए भी जा सकता था, मैं सोचा कि एक बार लड़ाई वाली कोई बात है, घर पे चलना है, घर पे ही बातें हो सकती है। और अचानक से कुछ बात नहीं करना है, बात कीजिए आगे, कह भी आ गया मेरा जाने नहीं देना भाई, भाई आप चले जाओ, जाने की जरूरत नहीं। अरे सुजीत जाओ नहीं प्लीज, बिगड़ जाएगा सब कुछ। अरे नहीं जाना अंकिता, मेरी बात सुन, कोई बात हमें लड़ाई नहीं करना, तुम्हारी मर्जी नहीं होती यार, प्यार से बता के जा रहे हैं ना तुम लोग, क्या प्यार से बताया, तुमने अपना फैसला कुछ भी कर लिया, तुमने बात करी एक भी बार, बार बार करके चले जाएंगे छोड़ के, कैसे होगा? मेरी बात सुन, क्या बात सुनूं? अगर नहीं गए ना जिंदगी में कभी तुम लोग के साथ नहीं रहेंगे, ठीक है? एक बार प्यार से सुन ले, बोल दिया ना हमें जाना है, अभी जाना है, नहीं जाने दूंगी तो नहीं जाने दूंगी, बस बोल दिया ना, तू रोक लेगी हमें तो ऐसे थोड़ी, मतलब रोक लेगी तू? बोलो ना इनको, ऐसे थोड़ी ना जाना है, जाना है मेरी बात सुन, जरूर गलती का बात नहीं है, गलती हुआ हमें अभी घर जाना है, हमें नहीं रहना है तुम लोगों के साथ, कुछ काम हमें आगे कुछ लड़ाई नहीं करना है, काम है, हाँ काम है, आ जाऊंगा, हाँ फिर आइएगा ना, दे दे, नहीं मैं नहीं दे रही।
तो पूरा खम जा रहे हैं। अरे सुजीत भाई ऐसे मत देख, चला जाएगा गाड़ी, दिमाग खराब मत करना। तो क्या मजाक है, मतलब अचानक से ना कुछ बात हुआ ना। मेरी बात सुन ले एक बार, अगर इस बार तू लोग रुक लिया ना, अगर हम नहीं गए जिंदगी में कभी दूसरा ढूंढ नहीं पाएगा हमें, तो प्यार से बोल रहे हैं। तो हो गया, अभी जो करना है तू सब जा, अपना ध्यान रख, चल दो कोई नहीं टेंशन। घर जाके आइएगा ना 10 दिन में 15 दिन में, ध्यान रख अपना। चलो भैया।